नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे जारी, 10वीं में लड़कों ने तो वहीं 12वीं में लड़कियों ने मारी बाजी। कैसर पुलिस ने 32 लाख की चोरी का किया खुलासा, 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज सुबह 11 बजे 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए। इस साल 10वीं की परीक्षा के लिए 1.48 लाख और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 1.24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इंटर में 1,21,171 छात्रों को सफलता मिली है और हाई स्कूल में 1,46,386 छात्र पास हुए हैं। वहीं 10वीं में 99.9% और 12वीं में 99.56% छात्र पास हुए हैं। जनपद चमोली गैरसैंण में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा पोस्ट ऑफिस का ताला तोड़कर 32,19,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की और 2 अभियुक्तों को काशीपुर से और 1 अभियुक्त को सोमेश्वर से गिरफ्तार किया। अपहरण किया गया है और संपत्ति बरामद की भी जो है ये 92% है। उसी तरह लूट के जो मामले है 62 मामले में से 59 मामलों का जो है वो अनावरण किया गया है। 95% इसमें अभियोगों का अनावरण हुआ है और गृह भेदन के भी जो है 169 में से 76 मामले जो है वो अनावरण किए गए हैं। हत्या के जो है वो 94 में से 86 मामले अनावरण हुए, 91% अनावरण है। तो अगर हम राष्ट्रीय औसत से वो देखें तो राष्ट्रीय औसत 30% है, जबकि हमारा जो है सभी इसमें औसत 90 से ऊपर का औसत है अनावरण का, संपत्ति बरामदगी का। कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग देवतोली के पास पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया है, जिससे कि मोटर मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। मलबा आने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं अपने गंतव्यों को जाने वाले लोग भी सड़क बंद होने से फंस गए हैं। संबंधित विभाग को सड़क बंद होने की सूचना दे दी गई है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जहां लोग घरों में थे, वहीं गौ सेवक जगदीश प्रसाद भट्ट ने संपूर्ण कोरोना काल में सड़कों पर निकलकर निराश्रित गौ वंशों की सेवा की। उन्होंने बताया कि गौ वंश की सेवा करने से उन्हें कोरोना बीमारी छू भी नहीं पाई। उन्होंने देश से कोरोना के खात्मे के लिए लोगों से गौ सेवा करने की अपील की है। नमस्ते, पहाड़ टीवी से मैं विनीता और आज हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के नंबर 1 डिजिटल चैनल के माध्यम से जगदीश भट्ट जी को। जगदीश भट्ट जी का आज जन्मदिन है और वो अपना जन्मदिन इन गायों के साथ मनाते हैं। जहां आज के समय में लोग बड़े बड़े होटलों में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए अपने जन्मदिवस को मनाते हैं, हजारों रुपए उसमें खर्च करते हैं, लेकिन वहीं जगदीश भट्ट जी को अगर आप देखें तो वो ये जो निराश्रित गोवंश है, जो सड़कों पर घूमने वाले आवारा लवारी की जो गायें हैं, इनको चारा रोज डालकर प्रतिदिन वैसे तो डालते ही हैं वो, लेकिन अपने आज उनका जो जन्मदिन है वो उन्होंने इन गायों के साथ मनाया है। ये अपने आप में अगर हर कोई व्यक्ति ऐसा करे तो जो ये निराश्रित गोवंश जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, चारा नहीं मिलता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी गौ सेवा है और हर इंसान एक समाज सेवा इस तरह से कर सकता है। तो हम बात करेंगे जगदीश भट्ट जी से, उनसे जानना चाहेंगे कि कब से वो ये काम करते आ रहे हैं और उन्होंने क्या सोच के इसकी शुरुआत की थी। जी भट्ट जी, सबसे पहले तो सभी बोलेंगे जय गौ माता। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। पहले भी आपने चैनल के माध्यम से गौ माताओं के बारे में मैंने आपके चैनल में जो है दिया था इंटरव्यू, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2020 से हम गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं। 23 मार्च 2020 से हमारी सेवा चल रही है। पिछले साल भी हमने जो मेरा जन्मदिन था तो जन्मदिन मैंने इन्हीं गौ माताओं के बीच में मनाया था और आज भी मेरा जन्मदिन है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहना चाहिए कि मैं बढ़ चढ़कर इन गौ माताओं की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं। हमारी जो ये सेवाएं हैं ऋषिकेश में, ऋषिकेश से लेकर गरुड़चट्टी तक चलती है और करीबन हमारे पास 5,000 के करीबन गाय हैं जिनको हम सवेरे 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक गौ माताओं की हम सेवा करते हैं। सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी ये गौ माताएँ हैं, ये भगवान कृष्ण राज की गौ माताएं हैं, भगवान कृष्ण राज की ये गौ माताएं हैं और इन गौ माताओं की सेवा करना हर किसी व्यक्ति का जो है दायित्व बनता है। जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो, वो गौ माताएं आज इस धरती पे, इस भारत माँ की माटी में एक एक रोटी के लिए मोहताज हो, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। गौ माता, गंगा माता और पृथ्वी माता, जिसने
भी इन तीनों की सेवा कर ली, साथ साथ आपने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी ये तीनों ही गौ माता और गंगा माता और पृथ्वी माता बिरान है, तो हम लोगों को सबको मिलके इन गौ माताओं के लिए आगे आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे थे मैं विनीता के साथ में कि ये जो निराश्रित गोवंश हैं इनको जो चारा है एक समय का वो जगदीश भट्टी करवाते हैं, लेकिन जगदीश भट्टी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इन गायों के चारे की जिम्मेदारी हम उनके जैसे और समाज से भी अगर आकर आगे आकर के लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी इन गोवंश के लिए, निराश्रित गोवंश के लिए। पार्टी से विनीता कल मोहन काला ने अपने खासे महादेव यूकेटी कार्यालय से श्रीनगर शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी वर्ग के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करते हुए वापस यूकेटी कार्यालय में संपन्न किया गया। मोहन काला ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए अपने पार्टी का घोषणा पत्र जिसमें भू कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मूल मुद्दों पर जोर दिया और साथ ही मूल निवास 1950 को लागू करने पर अपनी पार्टी का विचार रखा। ब्लॉक मुख्यालय द्वारा हाट में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नारायण रावत की सेवाएं एक झूठे शिकायती पत्र के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सेवाएं समाप्त किए जाने पर पिछले 11 दिन से आंदोलन जारी है और भूख हड़ताल 4 दिन से जारी है। नारायण की सेवा बहाली को लेकर ग्राम प्रधान रमेश बोरा और ग्राम प्रधान संजय नेगी 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। पिछले माह भी सेवा बहाली को लेकर 11 दिन तक आंदोलन जारी रहा और उपजिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी द्वारा लिखित तौर पर आश्वासन दिया था। सेवा बहाली का तब आंदोलन स्थगित हुआ, लेकिन शासन प्रशासन ने वादा खिलाफी की। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी के पास टीरी जनपद के कैंपटी फॉल में शुक्रवार को शाम के समय अचानक फॉल का जल बहाव बढ़ गया। पानी के साथ मलबा और पत्थर आने पर कैंपटी फॉल को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कर लिया गया था। कैंपटी फॉल में अचानक जल स्तर बढ़ने से भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन द्वारा कैंपटी फॉल और आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया। बाजपुर में कृषि विभाग की टीम ने खाद की दुकानों पर छापेमारी की और दवाओं के सैंपल लिए। इस दौरान अधिकारियों ने दुकान में दवाओं के स्टॉक की भी दुकान स्वामियों से जानकारी ली। बता दें कि कृषि विभाग के मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर अभय सक्सेना के निर्देश पर बाजपुर में एडीओ रितेश कुमार ने राजस्व विभाग के कानून गोधन सिंह के साथ खाद की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर छापेमारी करते हुए यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटैश और ड्राई अमोनियम फॉस्फेट सहित अन्य दवाओं के सैंपल एकत्रित किए। छापेमारी के दौरान रितेश कुमार ने खाद की दुकानों पर दवाओं के स्टॉक की भी जानकारी ली। देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड वगैरह की दुकान है, मैसर्स किसान फर्टिलाइजर एजेंसी। यहाँ पर हम लोग ये दवाइयाँ जो कृषि के क्षेत्र में दवाइयाँ यूज़ होती हैं, चाहे कीटनाशी हो या फिर आपकी फफूंदनाशी हो, विभिन्न प्रकार की और भी दवाइयाँ हैं। साथ ही साथ जो खेतों में जाने वाली खेतों में डाले जाने वाले हमारे केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह, जिसमें हमने यहाँ से फिलहाल MOP का सैंपल लिया है और एक इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड का सैंपल लिया गया है। और ये इसलिए किया जाता है समय समय पर जिससे कि यहाँ पे जो क्षेत्र के किसान हैं उन्हें सही गुणवत्ता का, सही कीटनाशी और सही खाद का, उर्वरक का प्रयोग कर सकें, जिससे उन्हें किसी गलत तरह का इस्तेमाल, मतलब गलत तरह का केमिकल उन्हें सप्लाई ना किया जा सके। उसकी टाइम टू टाइम जाँच भी की जाती है और उसके अलावा यहाँ पर इनके कितना स्टॉक है, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, उसकी जांच भी हम लोग करते रहते हैं। अल्मोड़ा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर शेखर लक्षोरा ने बाजी मारी है, जिसमें शेखर लक्षोरा ने निवर्तमान अध्यक्ष महेश परिहार को 5 मतों से शिकस्त दी। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कुंदन लटवाल, महिला उपाध्यक्ष सुनीता पांडे और कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार निर्वाचित हुए हैं। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आज डोईवाला ब्लॉक की तमाम ग्राम पंचायतों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चयनित लाभार्थियों को डोईवाला के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डोईवाला ब्लॉक की चयनित 16 ग्राम पंचायत के 192 स्वीकृत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रमाण पत्र दिए गए। गरुड़ क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने दौरा कर चुनावी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। 300 यूनिट फ्री बिजली के पंजीकरण को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचा रहे हैं। विधानसभा बागेश्वर से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी बसंत कुमार ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देवभूमि के जन जन को देना ही उनकी पार्टी की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पूर्व
आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। हर घर जाकर फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी बसंत कुमार, जो कि विधानसभा प्रत्याशी भी हैं बागेश्वर से, और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की चुनावी रणनीति के तहत क्षेत्र का दौरा उनके द्वारा किया गया है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी पार्टी की रणनीति है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर, और आपका दौरा आज गरुड़ क्षेत्र में हुआ है, और किस तरीके से लेते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी आपके द्वारा कल बुलाई गई थी, तो गरुड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से चुनावी रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? सर देखिए, विगत दिनों से हम लोग बूथों पर ध्यान देना हमने चालू किया है। अब आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन घर घर जाके किया जा रहा है और लोगों का बहुत अच्छा स्नेह प्यार मिल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बूथ वाइज हम लोगों का जो संगठन है, उस संगठन को हम लोग अब कैटराइज करने लगे हैं। अब हम संगठन को मजबूत करने के लिए आगे आ चुके हैं, क्योंकि बहुत जल्द उत्तराखंड प्रदेश का चुनाव है और संगठन के लोगों से मुलाकात की जा रही है। इस उद्देश्य के साथ बूथ वाइज जो है हमारे संगठन को मजबूत किया जाए, इस उद्देश्य के साथ हम पूरे फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं। सर, एक तरफ कांग्रेस ने हाल ही में अपना प्रदेश का मुखिया बदला है, पार्टी का अध्यक्ष बदला गया है कांग्रेस द्वारा, और प्रदेश को 4 नए कार्यकारी अध्यक्ष भी दिए गए हैं, तो ठीक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का चेहरा बदल जाना और साथ ही नए कार्यकारी 4 नए कार्यकारी अध्यक्षों का प्रदेश को दे देना, किस तरीके से लेते हैं सर? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, फिर भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वह इस उत्तराखंड प्रदेश में राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा भी बोलना बनता है। मैं आपको इतना बता दूं, अपने अंतरकलह से कांग्रेस पहले से ही परेशान है, आपसी झगड़ों से परेशान है। ऐसा राजनीतिक दल जिनके अंतरकलह शांत नहीं हो पा रहे हैं, जिनमें खुद में मेल मिलाप नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड को की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आपस में जोड़ने की बात करते हैं, वह जनता को जोड़ने की बात करते हैं। मैं तो उनको ये नसीहत देना चाहता हूँ कि पहले अपने अंतरकलह खत्म कर लें, अन्यथा अगर अंतर्कलह नहीं है तो मैं खुद सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि ऐसी आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना। पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत पोखरा ब्लॉक में कुंच खाल से बरसुंड देवधाम 4 किलोमीटर सड़क की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा सन 2015 में की गई थी, मगर विगत 6 वर्षों में इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद नैनीताल के ग्राम सभा हरतोला सतपुली में पिछले 15 दिनों से बारिश होने के कारण मलबा आने से रोड बंद है, जिससे ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा हटाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा उप जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एक व्यक्ति के परिवार द्वारा जेसीबी मशीन को रोका गया और कहा कि उक्त कार्य संबंधित राजस्व उप निरीक्षक की उपस्थिति में कार्य करवाया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार, ये है मेरा उत्तराखंड।